हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे अशफाक भैया के आया हूँ अपनी कार में विनाइल लगवाने रूफ के ऊपर, और मैं उसका आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा अपनी कार में कैसे लगती है, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए जब विनाइल लगे गाड़ी पे। और इसमें भी बहुत तरीके की विनाइल आती है, 3M की आती है और लोकल भी आती है। मैंने भैया से पूछा, भैया 3M की में और लोकल में क्या फ़र्क है? भैया ने कहा कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों का जो शाइन आती है वो सेम आती है। और मैं आपको अभी पूरा इसका वीडियो दिखाता हूँ। इसमें लगेगी विनाइल रूफ के ऊपर ग्लॉसिटी विनाइल, इसका भी पूरा क्लीन होगा, बहुत ही गंदी। गाइस, ये वाले विनाइल लगवाएंगे अभी अशफाक भैया कार में, ग्लॉसी ब्लैक। मतलब 3M की में उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम सी है, बस वो कंपनी है। और ये भी लोकल तो नहीं कह सकते, ये भी अच्छी विनाइल है। और बाकी तो आपको लगाने के बाद आपको पता चलेगा कैसी है। और मुझे भी भैया इसका ये एंटीना वेंटीना भी हटाएगा, एंटीना वगैरह सब खोल कर लगाएंगे। और मार्केट में क्या करते हैं लोग, मार्केट में सीधे से कटिंग करके लगा देते हैं बस। गाइस, मार्केट में लोग क्या करते हैं, यहाँ से कटिंग कर देते हैं और लगा देते हैं विनाइल। बाकी अशफाक भैया पूरा इसका एंटीना प्रॉपर हटेगा, उसके बाद लगाएंगे एकदम, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये पूरा इसको ऊपर का हटेगा, फिर इसके यहाँ पे एंटीने का कनेक्शन होता है, फिर उसको रिमूव करेंगे, देन उसके बाद वहाँ से एंटीना हटेगा। अशफाक भैया यहाँ से पूरा हटा रहे हैं इसको। लाइट अच्छी लग रही थी, लाइट बार। और ये एंटीना भी हट गया था। गाइस, ये प्रॉपर साफ होती है, मतलब बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है कि वो जो विनाइल होती है वो अपने आप हटने लग जाती है साइड में से, जैसे कि आप अशफाक भैया तो प्रॉपर कर रहा है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जो इतनी अच्छे से साफ करें गाड़ी के साइड फिटिंग वगैरह। इनको यहाँ पे जो स्पेस है, और हमारे एक बार भैया भी आ गए जो कि इस काम का अंजाम देंगे। पूरा प्रॉपर साफ होते हैं इसका जो रूप है गाड़ी का। और उसके बाद ही विनाइल लगता है। तो गाइस, फाइनली विनाइल लग रही है, ग्लॉसी ब्लैक।
अश्वाक भैया, इनकी लाइफ कितनी रहती है? ये तो चलती है, चलती है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें लग चुके हैं पूरा फिनाइल।